नेहरू पर दिया उन्होंने विवादित बयान। नेहरू अय्याज थे ये बीजेपी विधायक का कहना है और ये पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर तंज कस रहे थे, अंग्रेजों के चक्कर में देश का बंटवारा किया। विक्रम सैनी ने कहा नेहरू का पूरा खानदान अय्याज था। विक्रम सैनी की तरफ से यह भी कहा गया है राजीव गांधी ने दिल्ली में शादी की, ये भी बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया, इनका काम ही ऐसा रहा है। तो ये तमाम बातें बीजेपी विधायक हैं विक्रम सैनी उनकी तरफ से कहा गया है। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक हैं ये, तो मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक और इसके साथ देखिए किस तरह से ये पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर उनके परिवार पर तंज कस रहे, उनके पूरे खानदान को अय्याश बता रहे हैं। तो विक्रम सैनी ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अय्याश था वो तो अंग्रेजों के चक्कर में आ गए, पहले ही देश का बंटवारा करा दिया था, वही तो चक्कर था, वो क्या था, वो तो पूरा खानदान उनका अय्याश था। इसने अपने राजीव ने शादी इटली में की, तो ये ऐसे तो इनका तो काम ही ऐसा धंधा रहा, तो इनके बारे में हम तो कहना ही चाहते ही नहीं। बीजेपी विधायक पर कांग्रेस का हमला, आपको बता दें कांग्रेस विधायक अजय लल्लू का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा निंदनीय ये विचारधारा है बीजेपी के नुमाइंदों की और उससे विधायक से क्या उम्मीद की जा सकती है, पार्टी को ही बदनाम करें और साथ साथ ये बयान बेहद शर्मनाक है। हमारे साथ विक्रम सहयोगी हमारे जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विक्रम सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विधायक हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपने एक बयान दे दिया है सर नेहरू जी को लेकर, उनके परिवार को लेकर, क्या ये शोभा देता है आपको? मैंने कहा नहीं भाई, नेहरू जी के बारे में मैंने अखबारों में किताबों में पढ़ा इस तरह की ये पढ़ा कि वो अंग्रेजन थी, उससे भी थोड़ा सा इनका मेल मिलाप था, तो ये पढ़ाया तो ऐसा ही थोड़ा सा बोल गया, किसके कष्ट हो रहा हो तो आई एम सॉरी। लेकिन सर पढ़ के आप इस तरह से किसी भी नेता के ऊपर से कटाक्ष नहीं कर सकते ना, ये भाषा तो काफी अभद्र है, ये तो आपकी पार्टी की छवि को और आपकी छवि को ही खराब कर रहा है जी। तो पार्टी की छवि खराब हो रही, पार्टी की छवि कोई खराब नहीं हो रही, किसी की खराब थी उनकी थी। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी की छवि नहीं खराब हो रही, इस तरह से जो बयानबाजी की जाती है सही है, क्या आप इसको सही ठहरा रहे हैं? हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई नेता इस प्रकार का है ही नहीं, हमारी पार्टी की छवि कैसे खराब हो जाएगी? लेकिन आए दिन ऐसे बोल तो बोलते रहते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे वो विपक्षी दल के नेता, और आपने भी ऐसा ही अब एक बयान दे दिया, तो ये क्या दर्शाता है फिर? नहीं किताबों में पढ़ा है, ये जो हमने कांग्रेस के हमारे नेता गण है ये भी पढ़ लेंगे, इनको पता होगा भाई, किताब पढ़ा हमने तो हमने देखे ही ना, हमारे नाम होता उसमें। तो सर क्या आप किताब से पढ़ के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देंगे? आपको तो सोचना समझना चाहिए, आप जनता के प्रतिनिधि, आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? पता नहीं था भाई आप लोग इसको चला देंगे, मतलब आपको ये पता नहीं था कि हमें चला देंगे इसलिए आपने बयान दे दिया जी। आप इसे सही ठहरा रहे हैं? नहीं सही नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री होए किताब पर भी उसको लिखना जी। विक्रम जी आपको हमारे सहयोगी अभिषेक वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, उनसे भी हम सीधे आपकी बातचीत कराते हैं। अभिषेक विक्रम सैनी हमारे साथ जुड़े हुए, आप इनसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछे जरा। अब देखिए विक्रम जी, आप राजनीति में इतने लंबे समय से हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल कर्टसी यानी राजनीति में जो शिष्टाचार होते हैं ये उससे इतर बयान है? अभी आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन इस तरीके का बयान कम से कम राजनीति में और ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बयान आपको नहीं देना चाहिए था, क्या आप इसके लिए माफी मांगेंगे? नहीं माफी मांगने की तो ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताबों में खूब पढ़ा, उनका इतिहास है, बहुत सारे लोग ऐसी बात बताते हैं कि भाई उनका इस प्रकार से रंगीन मिजाज थे, अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो आया भैया थोड़ी क्या आप मानते हैं कि जो आपका बयान है ये पार्टी लाइन पर है, पार्टी इससे व्यक्तिगत है, पार्टी का बयान मेरा व्यक्तिगत बयान है। लेकिन जिस देश की जनता ने 15 साल तक प्रधानमंत्री जिसको चुना, जिसको बार बार चुना गया, देश के लोगों ने जिसको भरोसा जताया, जिसको प्रधानमंत्री बनाया, उनके लिए ऐसे शब्द उचित होंगे आपकी तरफ से? किताबों में किताब क्या जो जिन्होंने किताबें लिखी लेख लिखे अखबारों में, देखिए आपने कहीं किताबों का जिक्र नहीं किया है। भाई जो पढ़ा मैंने बोल दिया भैया, किसी को कष्ट हुआ हो कांग्रेस वालों को, हमारे भाइयों को, नेताओं को, आई एम सॉरी। देखिए ये किताब आप कह रहे हैं कि ये लिटरेचर से आपने पढ़ा है और उसके बाद बोला है, आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राजनीतिक समझ क्या कहती है?
ठीक है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं, चाचा नेहरू हम भी कहते थे, लेकिन किताबों को भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए, जहाँ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बोला भी जा सकता है, अखबारों में भी खूब लेख आए ऐसे। देखिए आप कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, आपने ये कह दिया कि आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप खेद जता रहे हैं तो अपना बयान वापस ले सकते हैं, आप खुले तौर पर भारत समाचार के मंच से कहिए कि गलती हो गई। मैं अपना बयान वापस लेता हूं, ठीक है, शिवांगी, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, भारत समाचार के प्लेटफॉर्म पे इस बात को उन्होंने माना है कि ये गलती हुई है उनसे, और अब ये सबको ध्यान में रखना चाहिए राजनीति में, जो लोगों को, पीपल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर देश के लोग जिन पर भरोसा जताते हैं, जिनको चुन करके भेजते हैं, उनके बारे में ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए माफी मांग ली है विक्रम सैनी जी ने, सर आपने माफी तो मांग ली, लेकिन अब हम ये भी चाहेंगे कि आप स्पष्ट तौर पर सामने आए, जिस तरह से आपने बयान दिया था सबके सामने आकर, वैसे एक बार माफी भी मांगे तो इससे आपकी भी छवि और आपने जो बयान दिया है वो भी वापस हो जाएगा और आप पे कोई सवाल भी नहीं उठेंगे। बिल्कुल आगे से सर ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि आप जनता द्वारा चुने गए हैं, आप पे लोग भरोसा जताते हैं, और अगर आप लिखी लिखाई बातों को आप बोल रहे हैं गलत है तो आपको भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। अभिषेक, आप विक्रम सैनी जी से कुछ अगर प्रश्न करना चाहें तो आप भी कुछ पूछ सकते हैं। आपने जैसा पढ़ा, जैसा आपने सुना, आपने उसके हिसाब से रिएक्शन दिया था, आज आप कह रहे हैं कि खेद है, खेद जता रहे हैं, आप क्यों नहीं आप लोगों को बुला करके अपना अपना स्पष्ट रुख करते हैं, मीडिया से बात कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। तो भारत समाचार की खबर का बड़ा सर आपको बता दें, इस वक्त विधायक ने बयान वापस ले लिया, अभी हमारे साथ विधायक जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर विक्रम सैनी जी ने अपना बयान वापस लिया, माफी मांगी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम सैनी जी, आप भारत समाचार से जुड़े, अपनी आपने जो गलती की उसको एक्सेप्ट किया, और हमारे साथ अभिषेक भी थे, अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल विधायक विक्रम सैनी ने बयान वापस ले लिया है अपना, और नेहरू पर जो टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी, इसको लेकर विधायक ने खुद भारत समाचार पर आकर माफी मांगी है, उन्होंने कहा है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, वो खासा इसका ध्यान रखेंगे, हालांकि पहले वो टाल मटोल करते नजर आए, लेकिन फिलहाल विधायक विक्रम सैनी ने आकर अपना बयान भारत समाचार पर वापस लिया। पीलीभीत में साइकिल चोर की पिटाई हुई है, आपको बता दें महिला ने बीच बाजार चप्पल से पीटा, पीलीभीत में साइकिल चोर की पिटाई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला ने बीच बाजार चप्पल से पीटा है, और ये वीडियो देखिए किस तरह से वायरल हो रहा है, चोर पर चप्पल बरसाते वीडियो भी वायरल हुआ है, महिला किस तरह से उसको पीटती जा रही, लगातार पीटने के बाद चोर को पुलिस के हवाले भी किया इस महिला ने, साइकिल चोर था, थाना बिलसंजा बाजार इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, और ये पूरी घटना देखिए कैमरे में भी कैद हो गई, और किस तरह से महिला एक के बाद एक चप्पलें लगातार इस साइकिल चोर पर बरसाती हुई जा रही, पहले खुद पिटाई की और उसके बाद इस चोर को पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो पीलीभीत से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीलीभीत में साइकिल चोर की एक महिला ने जमकर पिटाई की है, और काफी लोगों का देखिए जमावड़ा भी वहां पर लगा रहा, लोग भी उसको डांट मारते हुए दिखाई दिया, हाथ साफ करते हुए बीच बीच में, और ये महिला देखिए किस तरह से एक के बाद एक चप्पल लगातार उस पर बरसाती जा रही है, पहले उसको सजा दी, खुद साइकिल चोर था ये, और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया, लगातार ये देखिए अपनी हरकतों में बिल्कुल शर्मिंदा होगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी पिटाई हुई है, जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, इससे हर एक को सबक जरूर लेना चाहिए, और ये वीडियो देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लगातार महिला एक के बाद एक चप्पल इस चोर के ऊपर बरसाती जा रही है। और ये चोर सबसे माफी मांगते हुए, आसपास जो लोग वहां पर इकट्ठा है उनसे भी माफी मांगते हुए, लेकिन लोगों ने उसको बख्शा नहीं, लोग भी उस पर हाथ साफ करते नजर आए बीच बीच में, और महिला वो तो लगातार उस पर चप्पलों से वार करती ही जा रही। डीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, युवक की जिंदा जलाकर हत्या पर उनका ट्वीट सामने आया, इस वक्त की बड़ी खबर, डीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है, युवक की जिंदा जलाकर हत्या पर मायावती ने ट्वीट किया है, जाति के नाम पर दलित को जिंदा जलाना निंदनीय है, ये मायावती ने ट्विटर पर लिखा है, घटना अति क्रूर और अति निंदनीय, ये मायावती की तरफ से कहा गया है, सरकार दोषियों को तुरंत सख्त सजा दिलाएगी, ये भी मायावती ने कहा है, सरकार दोषियों को तुरंत सख्त सजा दे, मायावती की तरफ से कहा गया ट्विटर पर, और ताकि आगे से ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति ना हो सके, तो मायावती खासा नाराज और सरकार से भी मदद की गुहार, और उम्मीद करती है कि वो न्याय
मिलेगा उस व्यक्ति को। प्रेम प्रसंग में युवक की जिंदा जलाकर हत्या की गई थी, इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। ये ट्वीट हम आपको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर जाति के नाम पर एक दलित युवक को जिंदा जलाया गया। सरकार इसके दोषियों को तुरंत सख्त सजा दिलाए ताकि प्रदेश से आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो सके। ये मायावती की तरफ से कहा गया है, बीएसपी की मांग है, सरकार दोषियों को तुरंत सख्त सजा दे। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, देखिए मायावती ने अब ट्वीट कर दिया है और सरकार से कहा है कि जो एक जाति के नाम पर दलित को जिंदा जलाया गया उसको वो न्याय मिले। जी बिल्कुल, सरकार से उन्होंने मांग की है कि जल्द से इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला जाहिर तौर पर बेहद गंभीर है। अगर किसी को जाति के नाम पर जिस तरीके से जो घटना हुई है उसमें जिंदा जला दिया गया, जाहिर तौर पर एक बड़ी क्रूर घटना है और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दिखा रही है कि किस तरीके से लोग बेलगाम हो चुके हैं, किस तरीके से मॉब लिंचिंग और इस तरीके की भीड़ हिंसा जैसी जो घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में मायावती ने ये ट्वीट करके एक प्रेशर जरूर दिया है सरकार के ऊपर कि एक दलित युवक को जिंदा जलाया जाना एक किसी भी राज्य सरकार के लिए एक धब्बा है, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। मेरठ से अगली खबर, जहां बोरे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बड़ी खबर बता रहे मेरठ से, जहां बोरे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है और हत्या कर हत्या के बाद शव को बोरे में बंद करके फेंका गया। हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद करके फेंका गया। अभी तक मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई हालांकि, लेकिन मेरठ से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां शव मिलने से सूचना पर भारी भीड़ भी उमड़ी। बजोट गांव के जंगलों में शव पाया गया है और ये शव है किसका इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। हमारे साथ शोभ जिया हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शोभ जिया, देखिए एक व्यक्ति का शव मिला है बोरे में बंद, पता चल पाया कि आखिर ये कौन है, क्योंकि शिनाख्त अभी तक नहीं हो पा रही शायद। बिल्कुल, अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। ये सुबह सुबह का मामला है, जब ग्रामीण पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक अज्ञात शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन शव जो है शव के ऊपर चोट के निशाने संभवतः यही जताया जा रहा है कि धारदार हथियार से उसकी युवक की हत्या करने के बाद उसका शव बजोट के जंगलों में फेंका गया है। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, मेरठ में भी बाहर से हत्याएं करके मेरठ में जो है वो शव फेंके जाते हैं, लेकिन ये जो है पुलिस का जो कहना है कि लगभग रात की ये हत्या है और सुबह उसका शव मिला है। जानकारियों के लिए आपका इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ।